अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी, तो आज एक मैंने कहा आपसे इटली की इमिग्रेशन के बारे में कोई बात करते हैं। तो इटली की इमिग्रेशन जो है, जो डी सीजनल वीज़े हैं एग्रीकल्चर के, वो कब ओपन होंगे और एमनेस्टी की जो बातें हो रही हैं उसके बारे में क्या अपडेट है, तो ये सब बातें आज मैं आपसे करूँगा। मैंने दिसंबर में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इमिग्रेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं अभी। तो अभी जो जनवरी में इनका इजलास हुआ है गवर्नमेंट का, तो वो दोबारा इस बात पे गौर कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर के जब वीज़े अनाउंस करने हैं अप्रैल में, होपफुली तो अप्रैल में जो है एग्रीकल्चर वीज़े के साथ साथ जो है ये इमिग्रेशन के भी, एमनेस्टी स्कीम के भी जो है वो चांसेस है। क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक जो है अभी इटली में तकरीबन 5 से 6 लाख जो लोग हैं वो बग़ैर जो कागज़ों के हैं, वो ना तो वो टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि उनको जो है किसी तरह रेगुलाइज किया जाए, तो उसके लिए वो सोच विचार कर रहे हैं। और हो सकता है अप्रैल में जो है जो एग्रीकल्चर के वीज़े जो अनाउंस होते हैं हर साल, वो इस साल भी अनाउंस होंगे मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में, जिसमें कि पहले पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं था, लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी जो है शामिल किया जाएगा। जो सीजनल वीज़े उनके, वो हर साल तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग हैं वो इधर आते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जो उसके बाद जो जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होता है एग्रीकल्चर का, तो वो लोग वापस चले जाते हैं। जो एग्रीकल्चर के जो वीज़े हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, और वो उन लोगों पे अप्लाई होते हैं जो आउटसाइड ऑफ इटली से लोग आना चाहते हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से। और जो दूसरे वीज़े हैं, जो दोस्त एमनेस्टी की जो बात है इमिग्रेशन के बारे में, जब इमिग्रेशन ओपन होगी, वो उन लोगों के लिए है जो इटली में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है अभी भी चांसेस हैं। और जो लोग अगर खुदा ना खास्ता इटली में नहीं ओपन होती इमिग्रेशन, तो उनको यही मैं एडवाइस करूँगा कि वो पुर्तगाल में चले जाएँ। पुर्तगाल में जो है अभी बहुत चांसेस हैं, अगर आप एक साल का उधर टैक्स दें और उसके बाद जो है वर्क अपना लगाएं कि मैं इस जगह पे जॉब कर रहा हूं, तो आपको जो है एक साल के अंदर अंदर जो है कागज़ मिल जाते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत करें, अगर आपको इटली में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो आप पुर्तगाल जाके उधर पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि एक बार दो लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थे कि जो सीजनल वीज़ा है वो कब ओपन होगा। तो उम्मीद की यही की जा रही है, जो न्यूज़ आ रही है कि वो अप्रैल में या मार्च के एंड में जो है वो एग्रीकल्चर वीज़ा जो है ओपन हो जाएगा, और एमनेस्टी भी उस वक्त जो है वो क्लियर होगा कि ओपन होगी या नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।